नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर हिंसा को समर्थन दिया जा रहा है, लेकिन इसी बीच भारत की नीतियों में भी कुछ बदलाव आया है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, भारत की ओर से पहली बार पाकिस्तान से कहा गया कि वह पीओके को खाली करे। मुझे नहीं लगता कि ये पहली बार कहा गया है, लेकिन जिस समय और जिस मजबूती से कहा गया उसकी अहमियत जरूर है। और मुझे लगता है कि यही वो स्टैंड है, यही वो रुख है जो भारत को लगातार अपनाना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि कश्मीर के मामले को लेकर हम दबकर यूनाइटेड नेशंस की बात को लेकर या जनमत संग्रह की बात को लेकर ऐसे आंदोलित से क्यों हो जाते हैं और उसी को लेकर सफाई की मुद्रा में क्यों रहते हैं। मेरा कहना यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान के सैनिक कबाइलियों के वेश में घुसकर चले आए थे और उन्होंने जिस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ये तो उस वक्त के राजनीतिज्ञों की कूटनीतिज्ञों की भारी भूल थी जो हमने उनको कब्जा बनाए रखने दिया। और लगातार उसके बाद हम जिस चीज को लेकर लड़ना चाहिए था वो दरअसल ये था कि पाकिस्तान ने जिस कश्मीर के हिस्से पर कब्जा किया उसको खाली करे। ये जनमत संग्रह, ये यूनाइटेड नेशंस और ये संयुक्त राष्ट्र वाली बातें सब बाद में होगी। हमारे हिस्से पर वो कब्जा करके बैठा है और हमारे कश्मीर को लेकर वो बातें करता, हमारे अंदरूनी मामले में दखल देने का उसको कोई हक नहीं है। हमारे हिस्से की जो जमीन उसके कब्जे में वो उसको खाली करना चाहिए। ये सबसे बड़ा रुख कश्मीर मुद्दे को लेकर होना चाहिए। पाकिस्तान ने लगातार जो रुख अपनाया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वक्त भी भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर जो पूरी स्थिति है उसमें गेंद पाकिस्तान के पाले में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने लगातार पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नरेंद्र मोदी खुद गए, नवाज शरीफ से मिलने गए, उनके घर पर बैठे दोस्ताना बातचीत की, पठानकोट हमले को लेकर साझा कार्रवाई करने की बातें चली। हमने उनकी टीम को यहाँ आने दिया, हमारी टीम वहां नहीं गई है क्योंकि उनका रुख नकारात्मक है, इसको लेकर बात आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में राहिल शरीफ और नवाज शरीफ के बीच में जो टकराव चल रहा है उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान पर दबाव बनेगा? अगर नहीं बनेगा तो और कड़े कदम उठाकर इसको बनाया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस बात को उठाने की जरूरत है और लगातार इस दिशा में कोशिश करने की जरूरत है कि पाकिस्तान के हिस्से में जो हमारे कब्जे में जो कश्मीर है हमारा, उसको हम छुड़ा कर लाएं और पाकिस्तान वहां से आतंकवादी यहां पर भेजना बंद करे। और अगर हमारे यहां पर एक आतंकवादी को मारे जाने को लेकर वो वहां पर इस तरीके से काला दिवस मनाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान जो खुद रावलपिंडी में स्कूल में बच्चों को आतंकवादी हमले में मार दिए जाने के इतने बड़े घातक आतंकवाद का शिकार है, वो पाकिस्तान अगर किसी आतंकवादी की मौत को इस तरीके से समर्थन दे रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान लगातार कश्मीरी हिंसा को समर्थन करता है, लेकिन हमारी ओर से कड़ा जवाब नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ से कड़ा जवाब केवल बयानों में दिया जाता रहा है। और भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो उन्होंने कांग्रेस की इस नीति रीति की बहुत आलोचना की है। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि जब भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी उसी की साझा सरकार है, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को और कठोर रूप कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। केवल गृहमंत्री के संसद में दिए गए बयानों से जनता को इस बार कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस सरकार को कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जिससे पता लगे कि इस सरकार की बोली और जो कथनी है जो और करनी है उसमें अंतर नहीं है। अभी वो जो बोल रहे हैं वो करके नहीं दिखा पा रहे हैं और इस वजह से जनता का भरोसा, ये बात सही है कि बहुत आसान नहीं है। भारत और पाकिस्तान के संबंध एक बहुत जटिल समस्या है। 1947 में जब से विभाजन हुआ है तब से आज तक इन संबंधों में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। खासतौर पर हमको विरासत में एक ऐसा पड़ोसी मिला है जहां पर लगातार इस तरह का सैन्य शासन रहा है कि वहां लोकतंत्र कभी काबिज नहीं हो पाया। लोकतंत्र के काबिज न हो पाने की वजह से वहां नाम की जमहूरियत है। आज भी नवाज शरीफ वहां पर सत्ता पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उन नवाज शरीफ की अगर लोकतांत्रिक सरकार की नाक के नीचे राहिल शरीफ इस तरह के विद्रोह के स्वर बुलंद कर सकते हैं, वहां पर अगर हाफिज सईद खुलेआम घूमकर भारत के खिलाफ और आतंकवाद के समर्थन में नारे बुलंद कर सकता है तो ऐसी जमहूरियत किस काम की है? तो पाकिस्तान में दरअसल कभी जमहूरियत रही नहीं, लोकतंत्र कभी रहा नहीं। और हमारा यह दुर्भाग्य है कि हमको विरासत में ऐसा पड़ोसी मिल गया जहां पर लगातार असंतोष खदबदाता रहता है और जब भी उनके यहां पर भीतर कोई बड़ी घटना होती है असंतोष खदबदाता है तो वो भारत की तरफ रुख कर लेते हैं ताकि जनता का ध्यान वहां की बजाय भारत के मसलों पर आकर केंद्रित हो जाए। क्या आपको लगता है भारत की पाकिस्तान नीति में बदलाव होना चाहिए? निश्चित तौर पर होना चाहिए। मुझे लगता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में या कूटनीतिक समर्थन के चलते हम लोग पाकिस्तान की तरफ जिस तरह का एक नरम रुख अपनाने की कोशिश करते हैं, ये बात है कि बात किए बिना बात आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन बात कब तक होगी, किस तरीके से होगी और बातचीत के इतने प्रयास अगर विफल रहे हैं तो ये भी तो देखा जाएगा कि किसकी वजह से विफल रहे हैं। क्या भारत ने अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी है? और अगर भारत ने इस तरीके का दोस्ताना रुख अपनाया है, लगातार बातचीत की बिसात पर दोनों देशों को साथ में लाने की कोशिश की है और उसके बाद भी पाकिस्तान अगर ऐसा काला दिवस मनाकर उसका जवाब देता है तो हमें भी लगातार इसी तरीके के जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लगातार हम पाकिस्तान से भेजे जाने वाले आतंकवादियों को इस तरीके से मार गिराएं कि पाकिस्तान हर रोज काला दिवस बनाने पर मजबूर हो जाए। पीओके खाली करवाने के लिए भारत को क्या कदम उठाने चाहिए?
देखिए शुरुआत में तो बातचीत ही एक रास्ता है और बातचीत से तो पाकिस्तान खैर मानने वाला नहीं है, तो अगर कठोर सैन्य कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो भी करना चाहिए, क्योंकि पीओके को लेकर एक बड़ा खतरा यह भी है कि वहां पर जो अस्थिरता है, वहां पर जो लोगों में असंतोष है, वो तो एक मुद्दा है, लेकिन दूसरा बड़ा मुद्दा है वहां पर चीन के दखल का। हमें लगातार सूचनाएं मिल रही है, इसके प्रमाण भी मिल चुके हैं कि चीन ने अपनी हरकतें पीओके में बहुत तेजी से बढ़ा दी है, तो अगर पाक अधिकृत कश्मीर में चीन अपनी हरकतें बढ़ा रहा है, वहां पर लगातार निर्माण कार्य में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसके जरिए वो उस क्षेत्र में घुसपैठ कर रहा है, तो चीन की जो इतिहास है, चीन की जो उद्देश्य है, चीन की जो रीति नीति, उसको देखकर हमें सावधान हो जाना चाहिए। चीन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे हिस्से का जो कश्मीर है उस पर अगर पाकिस्तान के साथ साथ चीन का कब्जा हो गया तो उसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पीओके में चीन के दखल का भारत पर क्या असर होगा? ये बहुत गंभीर सामरिक खतरा है देश के लिए और चीन की जो हरकतें हैं उसको कोई किसी से छुपी हुई नहीं है। अभी देखिए कि जो समुद्र में चीन की घुसपैठ हुई है उसको लेकर वो अमेरिका तक को आंख दिखा रहा है, अमेरिका की, रूस की, जापान की किसी की बात उसने नहीं मानी है और समुद्री अड्डों पर उसने अपनी कब्जा जमा लिया है, जहां से कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र है वो और वहां पर मुक्त यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को वहां से उड़ने नहीं दे रहा है। जिस तरीके से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है, जिस तरीके से हांगकांग पर उसने अब तक, तो मुझे लगता है कि चीन के जो इरादे हैं वो हमेशा से बुरे रहे। अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से पर जैसे उस तरह 62 के युद्ध के बाद उसने कब्जा किया था, वो सब भी हमको पता है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र पर चीन की दृष्टि हमेशा से रही है, चीन हमेशा से चाहता रहा है कि इस जमीन पर वो अपना कब्जा जमा ले, उसके लिए वो नए नए हथकंडे अपनाता रहता है। भारत को निश्चित तौर पर वो एक ऐसे क्षेत्र के रूप में देखता है जिस पर कब्जा करके उसको अपना आधिपत्य आगे धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। उसकी जो हरकतें हैं, जिस तरीके से वो लद्दाख में घुसपैठ करता है, वो भी उससे स्पष्ट हो जाती है। तो चीन के इन बढ़ते कदमों को रोकने के लिए भी ये बेहद जरूरी है कि भारत की सरकार ने जो पाक अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने का नारा बुलंद किया है, इसको केवल नारे तक न सीमित रखा जाए, इसको हकीकत में बदला जाए। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे भारत पाक संबंधों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।